वैज्ञानिक इकलसन और वैज्ञानिक हर्बर्ट दोनों ने अपने प्रयोगों में ऐसा लिखा है कि गौमूत्र और गोबर दूध से भी ज्यादा उत्तम पदार्थ हैं। जिन गाय और बैलों को किसान छोड़ देते हैं और जो कसाईयों के हाथों कटने से बच जाती हैं, ऐसी गायों और बैलों को संरक्षण देती है कानपुर की ये गौशाला सोसाइटी। यहाँ कुल 1400 गोवंश हैं, जिसमें से सिर्फ 14 या 15 गाय ही दूध देने में समर्थ है। गौशाला का पूरा खर्च बाकी की उपलब्ध गायों के गोबर और गोमूत्र से ही चलता है। जो आप सामने ये देख रहे हैं, ये गोमूत्र का एक अद्भुत चमत्कार है। ये बैटरी है और इसमें ये सब लाइटें जलती हैं। 400 ग्राम गोमूत्र में इसका बैकअप है 400 घंटा, जो अपने आप में एक आश्चर्य ही है। इसकी मैं आपको जला करके दिखा देता हूँ कि देखिए ये इसका क्या है। ये आपकी इसकी ये फोकस लैंप है पढ़ने करने के लिए, और दूसरा ये है बल्ब घर में रोशनी करने के लिए, और तीसरा है ये सेल फोन चार्जर है, इससे टेलीफोन भी चार्ज, ये सेल फोन चार्ज हो जाएगा। आज जो देश में करोड़ों बच्चे लालटेन में, डिबरी में, मोमबत्ती में पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो जाएगी। तमाम जो रेडी वाले हैं उनके ये हो जाएगी, और जहाँ जिन गांव में बिल्कुल बिजली है ही नहीं या आती नहीं है या जो भी परेशानी है, वहाँ इसका ये विकल्प है। इसमें लेने के बाद उसके बाद कोई खर्चा नहीं है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये गोबर से ही सब बने हुए हैं। ये मूर्तियां हैं और ये गमला है। विशेष बात यह है, ये गोबर के साथ कुछ और जैविक पदार्थ मिला करके ये बनाया गया है। ये आपका वैसे न पानी में गलेगा, न इसमें कोई परेशानी या नुकसान होगा, और इसमें इसका वजन कुल बड़े पूरे गमले का 600 ग्राम है, और आप इसमें कोई भी पौधा लगाएंगे वो पौधा अपने आप इसमें मॉइस्चर ले लेगा, खाद भी ले लेगा, और लेकर के उसकी ग्रोथ इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आश्चर्यजनक। और इसको ज़मीन में आप गाड़ देंगे, 15 दिन में ये मिट्टी हो जाएगा, खाद में परिवर्तित हो जाएगा। कानपुर गौशाला के पास अपनी आधुनिक प्रयोगशाला है। गोबर और गौमूत्र पर लगातार शोध चलता रहता है। गोबर और गौमूत्र से रोजाना इस्तेमाल की बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और ये पर्यावरण अनुकूल भी हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से बहुत बड़े स्तर पर लघु उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। भारत जैसा देश जहां आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, वहां ऐसे उद्योगों से ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। पंजाब सरकार द्वारा एक उच्च कोटि की समिति गठित की गई थी, जिसने बेरोजगारी को दूर करने के लिए पता लगाना था। उस कमेटी की प्रथम जो सिफारिश थी यही थी कि अगर गोपालन शुरू किया जाए तो बेरोजगारी बिल्कुल खत्म की जा सकती है।